नमस्कार, मेरे चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज बेबी केयर वीडियोस में मैं लेके आई हूँ बेबी के टीथिंग के बारे में डिस्कस करूँगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि बेबीज़ को टीथिंग कब शुरू होता है। हर बेबी का टीथिंग टाइमिंग बिल्कुल डिफरेंट होता है। ज़रूरी नहीं है कि आपके बच्चे को जब टीथिंग शुरू हुआ नेक्स्ट दूसरे बच्चे को भी सेम टाइम में टीथिंग होगा। हाँ, बट एक फिक्स टाइम है बच्चों के कि 4 महीने से लेकर बच्चे का 10 महीने के बीच में टीथिंग स्टार्ट कभी भी हो सकता है। कई बच्चों को टीथिंग 4 महीने में शुरू हो जा 4 महीने से 5 महीने के बीच में शुरू हो जाते हैं। कई बच्चों को 6 महीने के बाद हो जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम टाइम 6 महीने के बाद के बच्चों को टीथिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका होता है। लेट्स टॉक अबाउट द साइंस एंड द सिम्टम्स ऑफ द बेबी टीथिंग। तो पहला साइन एंड सिम्टम्स है स्वेलिंग गम, इरिटेशन। बच्चों को गम्स में स्वेलिंग हो जाती है जब उनकी टीथिंग स्टार्ट हो जाते हैं, तब उनके गम्स में स्वेलिंग शुरू हो जाता है, उनके गम्स में रेडनेस आ जाता है, क्योंकि जो टीथ है वो मसूड़ों को चीर के बाहर आता है, तो बच्चों को वो पेनफुल भी होता है उस टाइम में। सो सेकेंड सिम्टम इज कि बच्चे अपने मुंह से बहुत ज़्यादा लार निकालने लगते हैं ऐसा टीथिंग के टाइम में। वो लॉट्स ऑफ ड्रॉल करते हैं, जिसकी वजह से मे बी उनके माउथ में रैशेस हो सकता है, उनके लिप्स में रैशेस हो सकता है, उनके चिन पे रैशेस हो सकता है। थर्ड सिम्टम इज कि बच्चों को कफिंग शुरू हो सकती है। जब उनको टीथिंग स्टार्ट होगा तो मे बी उनको कफ होने लगेगा, हल्का खांसी होने लगेगा। फोर्थ इज कि वो अपने हाथ को बार बार माउथ में रखेंगे, बार बार अपने उंगलियों को अपने माउथ में रखेंगे। नेक्स्ट सिम्टम्स क्या होता है, बच्चे कोई भी चीज़ को काटना शुरू करते हैं। आप उनके हाथ में कुछ भी दे दें, अपनी उंगलियों को, अपने स्किन को, आपके हाथ को, किसी भी चीज़ को वो अपने मसूड़ों से काटने की कोशिश करते हैं। ये भी रीज़न है कि बच्चों को टीथिंग स्टार्ट हो गया। अनदर सिम्टम इज कि दे स्टार्टेड रबिंग देयर चीक्स, उन आईज को मलना शुरू कर देंगे, अपने चीक को बार बार छूना शुरू कर देंगे, या बच्चे अपने कान को खींचना शुरू कर देंगे। दीज ऑल आर द सिम्टम्स फॉर द टीथिंग। अनदर सिम्टम्स कि बच्चों के ईटिंग की हैबिट, बच्चों के स्लीपिंग की हैबिट, वो भी पैटर्न चेंज हो सकता है, क्योंकि चूँकि उनके टीथिंग शुरू हो चुकी है तो उनको दर्द हो रहा होता है, उनके स्वेलिंग गम की वजह से उनको कोई भी चीज़ खाने में या पीने में प्रॉब्लम होती है, दर्द हो रहा है, तो वो बच्चे सो भी नहीं पाएंगे। तो उनको जब टीथिंग शुरू होगी तो वो ईटिंग पैटर्न और उनका स्लीपिंग पैटर्न सभी चेंज होने लगता है, उसमें भी उनको प्रॉब्लम आने लगती है। नेक्स्ट इज बच्चे फिजीनेस हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा रोएंगे, जो रेगुलर से ज़्यादा क्राई करेंगे, सुस्त रहेंगे बच्चे। नेक्स्ट हम देखेंगे कि बच्चों के टेम्परेचर में थोड़ा सा राइज होगा, मे बी कभी कभी बच्चों को फीवर भी आ सकता है। नेक्स्ट हम ये भी देखेंगे कि बच्चों के नाक से भी पानी आने लगेगा, ये उनके रनिंग नोज़ भी स्टार्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट हम ये भी देखेंगे कि बच्चों को लूज़ मोशन और वोमिटिंग होना शुरू हो जाएगा। लूज़ मोशन और वोमिटिंग के बारे में हम हमेशा सुनते आए हैं कि बच्चों के दांत निकल रहे हैं तो लूज़ मोशन और वोमिटिंग हो रहा है। तो लूज़ मोशन और वोमिटिंग बच्चे इसलिए भी करते हैं क्योंकि जब उनके दांत आने लगते हैं और उनके गम में स्वेलिंग रहता है, तब वो अपने आस पास पड़ी किसी भी चीज़ को लेकर अपने गम्स में उसको लगाने की कोशिश करते हैं। उनको उस डर्टी हैंड को जब वो अपने माउथ में रखते हैं तो उनको उसी वजह से इन्फेक्शन हो जाता है, और वो इन्फेक्शन उनके डाइजेशन को इफ़ेक्ट करता है, और जिसकी वजह से उनको लूज़ मोशन एंड वोमिटिंग होने लगती है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि बच्चों को हम ऐसे टीथिंग के प्रॉब्लम्स में राहत कैसे दिला सकते हैं बिना पेरेंट्स और बिना मदर। तो आप सबसे पहला जो चीज़ ध्यान रख सकते हैं वो है क्लीनिंग के बारे में। बच्चों को आप जितना हो सके उनके आसपास क्लीनिंग रखिए, उनके जब माउथ को आप टच करें तो एकदम क्लीन हैंड से करें। आप ये ध्यान दें कि बच्चे का हैंड क्लीन है, ताकि उनको वॉमिटिंग और लूज़ मोशन जैसे प्रॉब्लम्स नहीं हो। दूसरा हम ये कर सकते हैं कि किसी भी कॉटन मुसली कपड़े को गीला करके बच्चे को दे दे, वो चबाए उसको जहाँ पर उसके दांत निकल रहे हैं, तो भी उसको राहत मिलेगा।
बच्चों के तिथर भी मार्केट में अवेलेबल है, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो उनको राहत दिलाने के लिए हम जितना हो सके उनको पैम्पर करें विथ लॉट्स ऑफ लव, हम उनका ध्यान रखें और उनका ध्यान उस इरिटेशन तिथ के पेन से, ये सभी चीज़ों से थोड़ा अलग हटा कर रखें। उनको किसी और चीज़ में भी हम इंगेज कर सकते हैं, उनको किसी और चीज़ के साथ, हम उसके साथ खेल सकते हैं या हम किसी और चीज़ में उसको कंटिन्यूसली इंगेज रखें। नेक्स्ट हम बच्चों को ठंडी चीज़ें दे सकते हैं, जैसे कि ठंडी सब्जियां, ठंडे फल, ये सब भी बच्चों को टीथिंग के प्रॉब्लम से थोड़ा राहत दिलाने की कोशिश करेगा। हम बच्चों के मसूड़ों को अपने हाथ से या गीले कपड़े से मसाज भी कर सकते हैं, इससे भी बच्चों को आराम मिलेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें करना चाहिए वो बच्चों को जितना हो सके कंफर्टेबल फील कराना है, ताकि वो अच्छी गहरी नींद ले और जितना हो सके रेस्ट करे। ऐसे टाइम में आप बच्चे को हाई प्रोटीन फूड दे सकते हैं, जैसे कि अगर आपका बच्चा 6 महीने से ऊपर है तो दाल दे सकते हैं आप, जिसको जो कि हाई प्रोटीन है, वो भी बच्चे को दर्द में हेल्प करेगा। सो लास्ट इज कि आप अपने पास डॉक्टर से पूछकर कोई भी होम्योपैथिक दवाई रखें। जब बच्चा बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहा है, बहुत ज़्यादा पेनफुल है, तो आप उसको वो दवा दे सकते हैं, आदर होम्योपैथिक दे या आप कोई भी एलोपैथिक डॉक्टर से भी पूछ के रख सकते हैं। एक होम रेमेडी भी आप कर सकते हैं कि बच्चों को तुलसी के पत्ते का रस भी उसके मसूड़े पर लगा दें, तो उससे भी बच्चों को थोड़ी बहुत राहत ज़रूर मिलेगी। कई लोग कहते हैं कि शहद बच्चों के मसूड़े में लगा दो, उसको आराम मिलेगा, बट मैं आपसे यही बोलूँगी कि आप शहद का यूज़ आफ्टर 1 ईयर ही करें। शहद के बारे में बाकी डिटेलिंग मैंने अपने वीडियो में ऑलरेडी कर रखा है, आप चाहें तो मैं लिंक दे दूँगी, आप उसको एक बार देख सकते हैं कि 1 साल से पहले बच्चों को शहद नहीं देना चाहिए। सो आई होप आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो मेरे वीडियो को एक लाइक दे दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आपसे फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए ऑल ऑफ यू टेक केयर एंड बाय।